कूलर मोटर से आपको एक तरफ से दो तार निकली हुई दिखाई देगी, एक तरफ से चार तार निकली हुई दिखाई देगी। आप दो तार पकड़ लीजिए जो एक ही कलर की होगी, इसमें पीले कलर की है, ये तार पकड़िए। अब आपको आवश्यकता होगी कैपेसिटर की, इसमें चार का कैपेसिटर लगा हुआ है। कैपेसिटर के दो पॉइंट हैं, एक तार को कैपेसिटर के एक पॉइंट पे लगा करके कस दीजिए, इसको ऐसे ऐंठ दीजिए। अब ये वाली वायर को ये पॉइंट पे लगा करके कस दीजिए। ये कूलर मोटर में कैपेसिटर लग गया, इसको इसके ढक्कन में फिक्स कर दीजिए। अब ये चार तार आप पकड़ लीजिए, चार तार में आपको इसमें काली, वाइट, लाल और नीले रंग की तार दिखाई देगी। अब आपको आवश्यकता होगी इस टाइप के रोटरी स्विच की। रोटरी स्विच में आपको चार ही पॉइंट दिखाई देंगे, चार पॉइंट में से ये वाला पॉइंट आपको छोड़ देना है। अब आप एक साइड से शुरू कीजिए, पहले लाल तार आप पकड़िए, इसमें से ये वाले पॉइंट पे लगा करके इसको इस तरह से कस दीजिए। अब आप वाइट तार पकड़िए, इसको ये वाले पॉइंट पे लगा करके कस दीजिए। अब आप पकड़िए काले कलर की तार, इसको आप ये वाले पॉइंट पे लगा करके कस दीजिए। इस तरह से कसा जाने के पश्चात आप सप्लाई वाली तार लीजिए। सप्लाई वाली तार आप कूलर की नीली तार, न्यूट्रल तार होती है, कॉमन तार, इसको सप्लाई के नीली तार के साथ में जोड़ दीजिए। और इसको टेप से ढक दीजिए। ये ढका जाने के पश्चात आप सप्लाई की लाल तार लीजिए, इसको आप एक पॉइंट पे लगा करके कस दीजिए। पहले इसको आप ऐंठ लीजिए, इसमें लगा करके कस दीजिए ऐसे। ये इस प्रकार से आप कनेक्शन कर दीजिए। कैपेसिटर इधर लग चुका है, ये एक स्पीड, मीडियम, हाई स्पीड, लाल तार वन स्पीड, सफ़ेद तार मीडियम स्पीड, ब्लैक तार हाई स्पीड, ये पावर सप्लाई की तार और ये इसकी कॉमन तार। अब पावर